पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जस्टिस विजेंद्र जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस विजेंद्र जैन एपीएन पर और इस तरह की चर्चा में जहां पर चुनावों का माहौल है और काफी कुछ रिपोर्ट्स आप तक आती रही होगी। मानवाधिकार के चेयरमैन भी आप हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें खासकर हरियाणा और पंजाब से रिलेटेड आप तक पहुंचती रही होगी। हरियाणा मानवाधिकार से जुड़े रहे हैं आप, किस तरह से पंजाब के, एक इससे पहले कि आपकी प्रतिक्रिया थी एक बार जरूर मैं आपको अपडेट कर दूं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी लगभग बहुमत की ओर है, बहुमत रुझानों में मिल चुकी है उसको, 287 सीट उसको उत्तर प्रदेश में मिल रही है और उत्तराखंड में भी 48 सीटों पर वो आगे है। और लेकिन मणिपुर, गोवा और पंजाब में काफी पीछे चल रही है बीजेपी और कांग्रेस वहां पर बाजी मार रही है। खासकर पंजाब और की बात हम करें आपसे, बहुत तरह की खबरें आप तक पहुंचती रही होंगी, ड्रग्स की समस्या है, मानवाधिकार की भी समस्या ये माना जा रही थी कहीं कई हद तक ये बढ़ रही है वहां पर, कैसे लेंगे आप इस परिणाम को? क्या आपको लग रहा है कि चौंकाने वाले परिणाम है या फिर ऐसा ही होना था? मेरे ख्याल में मैं राजनीति में नहीं हूँ, मेरा संबंध तो लॉ से है। बिल्कुल, जो रुझान सामने आ रहे हैं वो एक बहुत पॉजिटिव कंट्री के लिए, क्योंकि ज़्यादातर चुनाव में कास्ट को लेकर के, रीजनल इश्यूज को लेकर के चुनाव लड़े जाते हैं जे। पर जो देश के अंदर के डेवलपमेंट की बात है, प्रदेश के डेवलपमेंट की बात है, स्टेट के डेवलपमेंट की बात है, तो लोगों ने बड़ा एक डिसाइसिव व्यू लिया है। जहाँ तक पंजाब का और उत्तराखंड का संबंध है, पंजाब के अंदर तो राइटिंग्स ऑन द वॉल था कि वहाँ पर ड्रग की समस्या को लेकर के, मैल एडमिनिस्ट्रेशन की समस्या को लेकर के लोग डिटरमिंड थे। कंफ्यूजन था कि कांग्रेस भी वहाँ, उसके प्रति कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनेगी और आपका भी काफ़ी, जो पंजाब में नतीजे सामने आए हैं, जो चल रहा है रुझान, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के लिए लोगों ने वोट दिया है। लोगों से बात होती थी तो लोग यही कहते थे कि साहब इस बार हम